Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Last video में आपको मैंने ये वाला और ये वाला question solve कर चुके हैं. आज हम ये दोनों करेंगे. ये question वही है जो बार-बार 10 year में repeat हुए हुए हैं math के. जिन बच्चों ने chapter पूरा नहीं पढ़ा है और अभी बहुत जल्दी में है exam की वजह से तो वो ये इन questions को जरूर follow करें. Sin theta 1 plus cos theta 1 plus cos theta sin theta. इसको हमने ये प्रूव करना है कि ये बराबर है 2 cosec theta के. मैंने कन्वर्जन भी बताई है आपको क्या चीज किसके इक्वल है. इन दोनों वैल्यूज को इस साइड को लेंगे, LCM लेंगे. 1 plus cos theta sin theta. इससे ये कैंसिल, साइन और साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल. ये दो दफा है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे. ये चीज बन रही है ए प्लस बी का फॉर्मूला. ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. इसको सेम टू सेम ऐसे ही खोलेंगे. वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस कॉस थीटा. बी का स्क्वायर ए में वन बी में कॉस थीटा. नीचे की वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी. हमने अब ये करना है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ लिख लेंगे. वन वन जा वन, टू वन जा टू कॉस थीटा. ये वैल्यू ऐसी ही आ जाएगी. ये वाली वैल्यू बराबर होती है वन की. हम इस वैल्यू के बदले लिख सकते हैं वन. बाकी वैल्यू ऐसी आ जाएंगी. वन प्लस वन टू, टू कॉस थीटा. टू कॉमन लेंगे, टू वन जा टू प्लस टू से टू गया कॉस थीटा बचेगा. वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा. इससे ये कैंसिल, यहां बच गया टू और वन अपॉन साइन थीटा. वन अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के. हम इसके बदले ये लगा देंगे, ये जाएगा टू कोसेक थीटा. हमने प्रूफ भी ये करना था और ये प्रूफ हो गया. हमने प्रूफ भी ये करना था और ये प्रूफ हो गया. अब साथ ही क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट कर रहे हैं. कॉट बीटा प्लस टेन बीटा इक्वल्स टू कॉट बीटा सेक स्क्वायर बीटा. तो लेफ्ट साइड लेंगे अगेन. कॉट बीटा बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के. बीटा है तो आप बीटा लगा देंगे. टेन बीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के. साथ में लगा दिया आपने बीटा. इन दोनों को एलसीएम लिया. साइन से साइन कैंसिल, कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन और साइन, साइन स्क्वायर बीटा. हम सबको पता चल गया है अच्छे से बिल्कुल. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन के. तो इसी तरह से कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा बराबर होगा वन के. हम इसके बदले में लगा देंगे वन. बाकी की वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी.
ये वन दोनों का पावर है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे कॉस बीटा से, डिवाइड कर देंगे कॉस बीटा से। अब हमें करना ये है, कॉस बीटा को आप यहाँ लेकर आएंगे, इस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका रीजन है वो ये है कि ये बराबर होता है कॉस बीटा के, और ये वाला कॉस को करवाएंगे हम इससे, तो कॉस एंड कॉस, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कॉट के, बीटा के लिए हम बीटा लगा देंगे, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर बीटा के। हमने ये प्रूफ करना था और सेम यही चीज़ प्रूफ हो गई है, यानी कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड प्रूफ।